हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे का दिन, तारीख है 5 जून। और आज अद्विक ने बोला था सुबह नाश्ते में मैक्रोनी खाने के लिए, तो ये सूजी की बनी हुई मैक्रोनी है हल्दीराम की। तो मैंने हल्के से मसाले डालकर, टमाटो सॉस डालकर और टमाटर डालकर मैंने ये मैक्रोनी तैयार कर दी है। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मतलब मंडे का वीडियो है। और मंडे को आई थिंक ये व्लॉग भी आप लोग को इवनिंग तक मिल जाएगा। और ये संडे को अद्विक अपने नाना नानी के साथ बाहर घूमने गया था। यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है, तो वहाँ से कुछ टॉय ख़रीद के लाया था। ये बबल्स लेके आया था और भी कुछ टॉय जो लेकर आया था, उनके साथ वो खेल रहा था। के समय मतलब अभी शाम के 3 या 4 बज रहे होंगे, और ना मैंने थोड़ा सा नींबू पानी पीने का मन हो रहा था, तो मैंने अपने लिए नींबू पानी बना रही थी। ऐसा होता है ना, गर्मियों में तो प्यास वैसे भी लगती है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो और भी ज़्यादा मतलब प्यास लगती है, और लगता है कुछ पीते रहो। तो सादा पानी कभी कभी नहीं अच्छा लगता, तो कुछ ना कुछ चाहे नींबू डालकर, और चाहे आप मतलब पुदीने का शरबत बना सकते हो, बेल का शरबत बना सकते हो, कुछ भी ऐसे आम पन्ना वगैरह बनाकर भी पी सकते हो। तो अच्छा, मुझे बताइएगा आप लोग बेल पी सकते हैं कि नहीं सकते। मैंने बोल तो दिया बेल का शरबत, लेकिन मुझे ना कई लोग बोलते हैं कि बेल नहीं पीनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। जो बेल होती है ना, बेल का शरबत जो होता है गर्मियों में, कई लोगों ने मुझे बोला कि नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, और कई लोगों ने बोला कि मतलब कर सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो मैंने बेल खाया नहीं, सॉरी, मैंने बोल दिया है बेल का शरबत आप पी सकते हो गर्मियों में, ऐसा गर्मियों में बेल का शरबत अच्छा लगता है, तो मैंने बोल दिया। बट सच्चाई यही है कि कई लोगों ने मुझे मना किया, तो मैंने तो अभी तक नहीं पिया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग पीते हो कि नहीं पीते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5:30 बज चुके थे अब, और मैंने सोचा कि धूप कम हो गई होगी, पर्दे नहीं हटा देते हैं धूप की वजह से। मम्मी दोपहर में ही पर्दे लगा देती हैं, ताकि कमरों में डायरेक्ट धूप ना आए खिड़कियों दरवाज़ों से, क्योंकि बीच बीच में खिड़की अगर दरवाजे खोलने पड़ते धूप बहुत तेज आती है। तो यहाँ पे पर्दे हटा रही थी, पर मैंने सोचा मैंने थोड़ा सा जल्दी पर्दे हटा दिए, 5:30 हो रहा था, पर धूप अभी भी है और लग रही थी धूप, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो हटाने हैं तो हटा ही देते हैं। तो ये मम्मी पूरी बालकनी में पर्दे डाल देती हैं, ये ग्रीन वाले पर्दे भी होते हैं जो आँखों में चुभते नहीं हैं, और डायरेक्ट रोशनी भी नहीं आती है धूप की, सही रहता है। नहीं तो अगर आप कमरे का दरवाज़ा गलती से भी खोल दो तो इतनी तेज़ धूप आती है कमरे में। तो ये देखिए सूर्य कितनी तेज़ चमक रहा है, मतलब मैं खोल रही थी पर्दे, मैं सोचे जल्दी ही आ गई बालकनी में खोलने के लिए, फिर मैंने सोचा चलो खोल रहे हैं तो खोल ही देते हैं, थोड़ी देर बाद तो धूप चली ही जाएगी। हालांकि 5:30 बज गया है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना, कोई मतलब ही नहीं है कि शाम हो रही है कि दोपहर हो रही है। तो खैर, अद्विक अभी भी ट्यूशन में है, मम्मी से लेकर आएंगी, 6 बजे तक वो आ जाता है। और बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह एडिट भी कर लेंगे इस टाइम पे, तो मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी जब वो कोचिंग में था। और तो ये था नॉर्मल सी बात। और ये देखिए मेरे फेस पे, मैं अभी देख रही हूँ ना वीडियो में, ऐसे मुझे दिखाई देता दाने दाने से हो रहे हैं, और यहाँ पर आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा वाइट वाइट से दाने, अजीब से खुजली वाले हो रहे हैं गर्मी की वजह से। इसका प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ये गर्मी की वजह से हो रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मुझे ऐसे हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी प्रेगनेंसी की वजह से। तो ये छोटा सा अपडेट था, बाकी मम्मी आ गई छोड़ के अद्विक को, और बाकी सब ठीक है। आगे का मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। अभी तो मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है, यूरिन टेस्ट करवाना है, एक बार फिर से नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं वही करवाने हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ अपडेट शेयर कर दी जाए। और मेरा जो मेरा क्या टाइम चल रहा है, 32 वीक चल रहा है, ख़त्म होने वाला ये भी, तो आगे के अपडेट्स भी आप लोग को देती रहूँगी। अब तो थोड़ा ही समय बचा है, और बहुत जल्द मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं मेरी ड्यू डेट क्या है, डॉक्टर ने क्या डेट दी है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आगे आने वाले वीडियो में। आज का वीडियो बहुत छोटा सा था, मुझे छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि लंबे ब्लॉग्स बनाओ तो मतलब हर किसी को नहीं पसंद आते लंबे ब्लॉग्स, कई बार ऐसा होता है कि लोग स्किप कर करके देखते हैं, तो उसमें ब्लॉग भी समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि कई बार हम लोग को मेन पार्ट निकल जाता है जो बताया गया वो निकल जाता है, और कई बार हम इंजॉय नहीं कर पाते ना बड़े ब्लॉग्स देख के। तो मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे ब्लॉग्स छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते रहें, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे। फ्रेंड्स, अभी बच गए हैं 6:45, और बस मम्मी अभी जाएंगी अद्विक को लेने, उसका अभी कोचिंग से आने का टाइम हो गया है,
और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से अद्विक ने ट्यूशन जाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एक होता है कि मतलब आप बच्चों को आप घर पर कितना ही ध्यान दोगे, थोड़ा अभी तक वहाँ स्कूल जाता था और मुझे पता है अभी जब जुलाई में स्कूल ओपन होंगे तो नहीं जा पाएगा मेरी डिलीवरी और प्रेगनेंसी की वजह से, तो उसकी वजह से मैंने अप्लीकेशन तो दे दिया है। फिर अभी से ट्यूशन लगा रहेगा, उसकी ट्यूशन की भी आदत लगी रहेगी और उसका छूटेगा नहीं, कंटिन्यू बना रहेगा उसका पढ़ने का लिखने का जो भी है। तो बस इसीलिए हम लोगों ने उसका ट्यूशन लगा दिया है, उसका मन भी बहल जाता है थोड़ा सा, मतलब इंगेज रहता है वो, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपके पास दो बच्चे हो जाते हैं, मतलब जब दूसरी जो प्रेगनेंसी होती है वो काफ़ी अलग हो जाती है फर्स्ट प्रेगनेंसी से, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी में आपके पास ऑलरेडी एक जिम्मेदारी होती है एक बच्चे की, ये माने नहीं रखता कि बच्चा छोटा है या बड़ा, आपको उसको ध्यान देना ही देना है, उस पर अटेंशन आपको लगाना ही लगाना है। तो उसके लिए पहले से अगर आप प्रिपेयर हो, पहले से तैयारियां करके रखो तो ज़्यादा सही रहता है। और बच्चों को अगर आप आपके पास अगर दो बच्चे हैं, मतलब अगर आपका पहले सेकेंड बेबी है, सेकेंड प्रेगनेंसी है, तो आप अपने पहले बच्चे को अगर अपने साथ एंगेज रखोगे अपने बातों में, या अपने आप कोई काम कर रहे हो तो उसको अपने साथ एंगेज रखोगे तो वो आपको भी सही लगेगा और बच्चे को भी सही लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है या उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है, या आपको कहीं ये फील नहीं होगा कि बच्चा इग्नोर हो रहा है। तो बस वही सारी कोशिशें होती रहती हैं। बाकी तो मैं मैके में आ गई हूँ और मैके में मेरा आराम चल रहा है और अद्विक के मज़े चल रहे हैं, क्योंकि अद्विक को नए नए खिलौने मिल रहे हैं, नई नई चीज़ें मिल रही हैं, सारी मौज मस्ती नानी के घर में अद्विक की हो रही है। तो बस कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ, आगे और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मैंने जब मेरा 5th मंथ स्टार्ट हुआ तब से मैंने ये ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है और देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 5th मंथ से स्टार्ट किया था और अब लास्ट पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे डिलीवरी का टाइम भी आ जाए वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है देखने में। बस चलिए रखते हैं, अपना ब्लॉग एंड करते हैं, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, इन्जॉय कीजिए, और जिनकी डिलीवरी हो गई है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए क्या हुआ, कैसे रहा एक्सपीरियंस आप लोग का, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के कमेंट पढ़ के। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।